अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक और मैं हूं तायरा अली। क्या हाल चाल है आपका नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? तायरा आप बताएं आपका क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वीकेंड गुजर गया और बहुत जल्दी गुजर गया, क्योंकि वीकेंड का जो दिन होता है वो मेरा ख्याल है कि हफ्ते के सारे दिनों में सबसे ज्यादा जल्दी से गुजरता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ऐसा लगता है कि वक्त जो है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। लेकिन वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है अगर आपके पास घर कुछ करने को ना हो तो फिर आप कहते हैं कि यार आज दफ्तर ही चले जाते, घर कुछ काम करने को नहीं है। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है खवातीन के साथ, ऐसा नहीं होता होगा, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम जो 5-6 दिन ड्यूटी करते हैं उसके बाद एक ऑफ मिलता है तो वो पूरे हफ्ते के काम हम लोगों ने समेटे भी होते हैं, बहुत सारे पेंडिंग टास्क होते हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है। और फिर फुलफिल करने के साथ साथ फिर आप जो चीज़ सोचते हैं कि हमने किस तरह से अपने मामलात को लेके चलना है, किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सोच पे डिपेंड करती है। तो आपकी सोच जितनी पॉजिटिव होगी, जितनी मुस्बत होगी, ज़िंदगी को आप उतना ही बेहतर और बेहतरीन तरीके से लेके चलेंगे। और इस सोच की बात पर मुझे मौलाना रूमी की एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन याद आ गई तायरा, मैं आपको भी सुनाता चलूँ, मैं नाज़रीन को भी सुनाता चलूँ, कि मौलाना रूमी साहब ने फरमाया था कि आपकी असल हस्ती तो आपकी सोच है, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ और खाली गोश्त हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, तो स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपकी सोच ही आपकी असल में अकासी करती है कि आप जिंदगी को कैसे लेके चलते हैं। और अपने पॉजिटिव सोचते हैं अपनी लाइफ से, आप नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं, तो आप यकीन माने आप टेंशन डिप्रेशन जो कि बहुत सी बीमारियों की जड़ है आप उससे भी बचे रहते हैं, एंजाइटी से बचे रहते हैं, डिप्रेशन से बचे रहते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं। तो ये नेगेटिव वेव्स को अपने दिमाग से निकालें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें और आप भी खुश रहेंगे और आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। तो अब चलेंगे जी अपने पहले सेगमेंट की तरफ, और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जी ट्रैफिक के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि जी ट्रैफिक की वॉयलेशन जो है वो हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होती है, स्पेशली ट्रैफिक पुलिस की, पंजाब गवर्नमेंट की भी, कि ट्रैफिक की वॉयलेशन को कम किया जा सके। इसी हवाले से जी खवातीन के ट्रैफिक पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है, वैसे मैं तो इस बात को नहीं मानती, कि खवातीन इतनी अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। सो खवातीन के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए से नए ड्राइविंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से हमारी खवातीन जो कि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है, मर्दों से ज़्यादा खवातीन की तादाद है, जॉब्स करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, सो उनको अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकें ताकि वो ड्राइविंग सीखें बेहतर तरीके से। और फिर ये जो हमारे सर पे एक मेरे ख्याल है कि वो एक स्टिग्मा लग चुका हुआ है ना कि हम अच्छी ड्राइवर्स नहीं हैं, सो हमें इस बात को साबित करना है कि हम अच्छी ड्राइवर्स हैं। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं खवातीन के लिए, इस हवाले से एक सेंटर भी कायम किया गया है, बल्कि ज़्यादा एक से ज़्यादा सेंटर्स कायम किए गए हैं, इस पर बात करेंगे। आज हमारे सर प्रोग्राम में मौजूद हैं SP ट्रैफिक सदर सर शहजाद खान। सर को सबसे पहले प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। उसके बाद पूछना है कि जी खवातीन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ से आप और मैं ड्राइविंग सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। सर थैंक यू सो मच आपके आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी मसरूफियत और आप इस सारे बिजी टाइम से आप वक्त निकाल के हमारे लिए आए। सर मुझे बताइएगा कि खवातीन के लिए जो अभी लेटेस्ट ये कुछ सेंटर्स कायम किए गए हैं वो कौन कौन से सेंटर्स, सबसे पहले तो वो सेंटर्स बताइएगा। देखिए ओवरऑल तो लाहौर के अंदर जो है आपको पता होगा अगर 1.5 साल पीछे चले जाएँ तो हमारे पास ओवरऑल जो सेंटर्स थे वो 3-4 थे बिल्कुल, लेकिन पिछले साल काफ़ी ज़्यादा इसमें इनहांस किया गया, तकरीबन ओवरऑल 23 सेंटर तो वो प्रॉपर थे। इसके अलावा हमारे पास हमारी वैंस थी 10 जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके भी जो है ये काम करती थी। अभी स्पेशली जो बात हो रही थी फीमेल एम्पावरमेंट की, और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हैं इस वक्त वो इस पर बहुत काम कर रही हैं, और ट्रैफिक के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एडवाइस और उसको चेक रख रही हैं, देख रही हैं, बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। आबशार एक हमारा जो है स्पेशली फीमेल्स के लिए हमारा एक सेंटर है जो जेल रोड लॉर जो है वहाँ पे काम कर रहा है। इसमें बेसिक बात यह है कि जो चेंज है, जो अलहदा चीज़ है वो ये है कि यहाँ हम सिमुलेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पहले बाकी जगहों पे जिस जगह भी आप जाते हैं या ड्राइविंग स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एक गाड़ी होती है, गाड़ी पर आप बैठती हैं, वहाँ उसको सीखती हैं आगे पीछे गियर्स और ये वो सारी चीज़ें, फिजिकली आपको गाड़ी में बैठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बैठना तो ऐसे थोड़ा सा इसमें भी पड़ता है कि हम लोग आखिरी दिनों में ताकि सिमुलेटर पे जो हम दे रहे होते हैं वो भी पूरी गाड़ी है, इन अ सेंस के उसमें आपको ड्राइविंग व्हील भी होता है, ब्रेक भी होती है, रेस भी होती है, इसी तरह मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर भी होती हैं।
इसमें जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि पहले 3-4 दिन जो हैं वो हम लोग साइंस जो हैं, रोड साइंस जो हैं, ट्रैफिक साइंस, वो उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद 21 दिन का ये हमारा कोर्स होता है, और उसके बाद जो है जो आखिरी 4 दिन है उसमें हम बाहर रोड्स पे भी ले आते हैं, ताकि क्योंकि बेसिक चीज़ ये है कि जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो वो एनवायरनमेंट और होती है, लेकिन ये है कि अगर कहीं आप मिस करते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तो एक्सीडेंट का ख़तरा होता है ड्राइविंग के दौरान, सीखने के दौरान। तो सिमुलेटर पे ये है कि आप वहीं पे बैठे हुए बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं हर चीज़, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चल जाता है, इवन साइंस पता लग जाता है, इवन ड्राइविंग स्टाइल पता लग जाता है, रेस ब्रेक का पता चल जाता है, व्हील को मैनेज करना आपको आ जाता है। मतलब इंडोर ही थ्रू सिमुलेटर, इंडोर ही आप गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं बजाय इसके कि आप रोड पे जाएं सीखने से पहले। बेसिकली ये है कि ऐसी मशीन जो रियलिस्टिक इमिटेशन प्रोवाइड करती है आपको, जिसमें आप बैठे हुए वहीं पे जो है वो देख के उसको सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। सर, ये सिमुलेटर जैसी टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ आबशार सेंटर में ही इंट्रोड्यूस करवाई है, या ये और भी सेंटर्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, या मर्द हजरात भी इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद हो सकेंगे? अभी लाहौर के अंदर ये पहला हमारा सेंटर है जहाँ पे सिमुलेटर्स काम कर रहे हैं, और अभी इसको ये आबशार जी जी और इसको अभी मेल हजरात के लिए नहीं रखा गया, स्पेशली फीमेल्स के लिए रखा गया है, और इसमें हमने 4 शिफ्टें अपनी रखी हुई हैं, 3-3 घंटे की वो ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारी लेडी इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बड़ी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के लिए, वो ट्रेनिंग दे रही हैं, और बड़ा अच्छा रिजल्ट जा रहा है हमारा। और सर, इसमें अगर दाखिला लेना है किसी खातून, जैसे आपने बताया कि खातून स्पेसिफिक है, तो ये तमाम देखने वाली खवातीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 21 दिन में आप गाड़ी प्रॉपर सीख सकते हैं, तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है ये भी ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला हो। सिंपल, आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए और एक आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए जो आप दें, और उसी वक्त अपना दाखिला कर लें। सर, एक होती है हमारी फिजिकल ड्राइविंग, ये सर ये फ़र्क जानना बड़ा ज़रूरी है, इसको थोड़ा सा दोबारा आप ज़रा एलिब्रेट कर दें कि फिज़िकल ड्राइविंग और सिमुलेटर में बेसिकली फ़र्क क्या है। सिंपल सिंपल इसको अगर एक जुमले में कहूँ ना, तो वो ये है कि अगर आप बाहर कर रहे हैं और अनबैलेंस होते हैं तो एक्सीडेंट का ख़तरा है, ठीक है, जबकि अंदर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो एक्सीडेंट का ख़तरा नहीं है। बेसिक वही चीज़ है, गाड़ी की वही सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, और आप उसको उसी ड्राइविंग व्हील के साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं। आप जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, नो डाउट इन इट, कि जो आप एक जगह पे कमरे में बैठ के, एक मशीन पे बैठ के, सिमुलेटर पे बैठ के कर रहे हैं, वो जब बाहर आते हैं तो उसकी एनवायरनमेंट डिफरेंट होती है। तो उसके लिए हमने रखा है वो जस्ट 2-3 डेज, जब आपको आपके पांव, आपके हाथ, आपका ज़ेहन जो है वो इस चीज़ पे एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो फिर वो बाहर वाली एक एनवायरनमेंट शामिल होती है, वो 2-3 दिन में हम उसको कवर कर देते हैं। सर, प्रिसाइजली मतलब ये है कि हम पहले ख़वातीन को ये जो इनिशिएट किया गया है चीज़, हम पहले उनको सिमुलेटर्स पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और जब वो सिमुलेटर्स से एक थ्योरेटिकल लर्निंग हासिल कर लेती हैं ख़वातीन, उसके बाद उनको हम गाड़ी देते हैं, तो जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है वो फिजिकल जो गाड़ी होती है उसको ड्राइव करने के बाद दिया जाता है। यस ऑफ कोर्स, उसको जब ये वाली ट्रेनिंग हो जाती है तो हम उनको लर्नर लाइसेंस देते हैं। आफ्टर 42 डेज वो जो मतलब हमसे तो जब सीख गई तो खुद भी फिर लर्नर प्रोसेस में रहती हैं, वो ड्यूरेशन जब वो अपना कंप्लीट करके आती हैं तो फिर यहीं पर उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो आप यहाँ पर आएँ और अपना मैच्योर लाइसेंस के लिए टेस्ट दें। और अप्लाई करने की हम बात कर रहे थे कि कोई प्रोसीजर मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, तो ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है या फिजिकली आपको आबशार सेंटर जाना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए? जहाँ तक अभी ऑनलाइन का है, ऑनलाइन अभी नहीं है, अभी फिजिकली ये स्टार्ट क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है, तो इंशाल्लाह ये इस तरह भी ऑनलाइन भी हो जाएगा, लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं है, अभी आपको फिजिकली ही करना पड़ेगा। सर, आबशार सेंटर में ड्राइविंग सीखने की फीस बता दें, और सर औकात बता दें कि किस औकात पर आके हम जो खवातीन हैं वो ड्राइविंग सीख सकते हैं। जैसे मोस्टली जैसे हम खवातीन जॉबियंस होती हैं, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि 9 to 5 अगर ऑफिस के टाइम खत्म होने के बाद कोई टाइम हो जिसमें वो जाके सीख सकें ड्राइविंग? बिल्कुल, वो मैं आपको बताऊँ कि इसके लिए टाइमिंग जो हैं वो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक हमने रखे हुए हैं, और 4 सेशन चल रहे होते हैं 3-3 घंटे के, अगर कोई टोटल, हाँ जी 12 घंटे टोटल, 3-3 घंटे के 4 सेशन चलते हैं। अगर किसी ने जिसको जो सूट करता है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि जो जॉब करती हैं खवातीन, अगर वो आना चाहें तो 5 से 8 वाले में आ जाएँ,
तो वो इजी है उनके लिए किसी जगह पे। आपने इसकी कोई एडमिशन फीस वगैरह? फीस कितनी? फीस इसकी 10,000 रुपये है अभी। ठीक है। और ये भी जब आप स्टार्ट करते हैं तो सर 10,000 रुपये फॉर 21 डेज। फॉर 21 डेज बिकॉज इट्स 3 वीक्स कोर्स। मतलब कंप्लीट आप उसकी पेमेंट करते हैं और सारा जो ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कराते हैं और उसके बाद आपको क्लास लेनी है। जो वीक में कितने दिन होती है क्लास? वीक में हमारी 5 दिन जो 6 दिन क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को जो है वो छुट्टी होती है। ठीक है। तो एडमिशन के लिए क्यों इसका अगर डिटेल वगैरह लेनी हो तो वो ऑनलाइन मिल सकती है या वो भी फिलहाल आपको फिजिकली आबशार सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा तमाम मालूमात के लिए? नहीं, मालूमात तो मैंने आपको दे दी, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ है ही नहीं। ठीक है। इसमें सिंपल है कि भाई आप अपना आईडी कार्ड, एक पासपोर्ट साइज जो है फोटो साथ लाएं, जब लाएं और जब से शुरू करना चाहें आप शुरू कर दें। हमारे पास मतलब काफ़ी स्टाफ भी ज़्यादा है और वैसे भी ये आखिर में ये बताइएगा क्या समझते हैं खवातीन का ड्राइविंग सीखना कितना ज़रूरी है और हमारी देखने वाली खवातीन को पैगाम को ज़रूर देना चाहें? देखें, ड्राइविंग सीखना तो जो भी आदमी या जो भी फीमेल जो है वो ड्राइविंग करती है या करना चाहती हैं तो उनको सीखना ज़रूरी है, सीखना चाहिए। स्टार्ट में जैसे हमारे 2 सेशन हैं, पहले स्टार्ट में हम लोग रोड साइंस और जो आपकी केमिस्ट्री है रोड्स की वो उस पर लेक्चर्स दे के उनको और LED पे प्रॉपर तरीके से जो है वो उसको साइंस की बकायदा तरबियत दी जाती है। हाँ, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रैफिक साइंस, रोड केमिस्ट्री इवन, वो सारी उसको बताया जाता है और फिर सिमुलेटर पे लाया जाता है और फिर वो आखिरी एंड वाले 4 दिन जो है वो हम लोग उनको रोड के ऊपर ले आते हैं। ठीक है। जिससे मतलब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, रोड का खौफ होता है वो भी खत्म हो जाता है। और जहाँ तक बात है कि ज़रूरी है तो ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए, आप जब रोड पे आते हैं तो आप सिर्फ अपनी जान को रोड पे ऊपर नहीं लेके आते, अपनी गाड़ी को ही नहीं लेके आते, आप दूसरों की जान और माल का भी जिम्मेदार हैं कि आपको भी नुकसान पहुंच सकता है और आपकी वजह से किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो सेफ़ रहने के लिए एक मज़हब कौम जिसको हम लोग कहते हैं कि ड्राइविंग को देख लेते हैं कि देख लें कि भाई कौम कितनी मज़हब है, तो इसके लिए हमें इस पे बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। और हर वो आदमी या वो फीमेल जो ड्राइविंग कर रही हैं या सीखना चाहती हैं उनको हमारे स्कूल्स की तरफ आना चाहिए और उसके बाद जो है सेफ ड्राइव भी करनी चाहिए, लाइसेंस भी लेना चाहिए, कानून को अबे भी करना चाहिए, अपना भी ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह के सर ने बताया कि कोई भी मुश्किल इतना प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही आसान, आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप विजिट करें, आबशार सेंटर में स्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। सो अगर आपको इंतज़ार था किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का, सो आपके लिए अवेलेबल है। आप ऑफिस टाइम के बाद भी जा सकती हैं ज़ुबैर, मेरे ख्याल है ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि ख़वातीन ज़ाहिर है अगर जॉब करती हैं तो ऑफिस टाइम के बाद उनके लिए टाइम स्लॉट अवेलेबल है, क्या 5 से 8 वाली स्लॉट ले सकती हैं, जो भी स्लॉट आपको सूट करे आप 21 दिन अपने लिए निकालिए। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये आबशार सेंटर, ये तो ड्राइविंग के जितने भी आपके सेंटर्स हैं ख़वातीन के लिए खुले हैं, आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आपने गाड़ी चलानी है, अगर इतना इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है तो फिर आपको कानून को फॉलो करना पड़ेगा, ड्राइविंग के असूल आपको समझने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये हमारा था अभी का सेगमेंट, अब हमें लेना है एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और आप चलते हैं अपनी खबरों की तरफ, गर्मा गर्म ताज़ा खबरें जो हम आपके लिए लेके आते हैं। गर्मा गर्म से मुझे याद आया कि ये गर्मी की शिद्दत तो तारा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आगे भी और आगे भी बढ़ती जा रही है, थोड़ा सा परेशान होने की शायद जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, सन स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को आने वाले दिनों में, इसका टेम्परेचर का जो अभी चल रहा है जो टेम्परेचर, इसमें मजीद इजाफा होने का खदशा है, बिल्कुल ख्याल रखना आपको। इसी हवाले से मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करता चलूं मौसम के हवाले से कि गर्मी की शिद्दत बरकरार है, दर्जा हरारत मजीद इजाफे का इम्कान है और दर्जा हरारत 44-45 डिग्री तक जाने का खदशा है आज के दिन। तो प्लीज़ अपना जो है ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि गर्मी माफ़ नहीं कर रही, सन स्ट्रोक हो रहे हैं लोगों को, लोग डिहाइड्रेट हो रहे हैं, वो बुरा हाल हो रहा है लोगों का, तो अपना ख्याल रखें। और अच्छा, एक दफ़ा पहले भी मैंने कहा था, मैं सॉरी टू कट यू, एक दफ़ा पहले भी मैंने कहा था कि जो जिनके पास गाड़ियाँ हैं और गाड़ी में
एसी मौजूद है, वो तो चले सेफ हैं फिर भी काफी हद तक, लेकिन दायरा जो लोग मोटरसाइकिल पे सफर करते हैं, हाँ किसी के पास लोग मेरा ख्याल है बाइक्स पे सफर करते, बाइक्स पे सफर करते हैं, तो आप हमेशा क्योंकि जब आपने निकलना है 11 बजे के बाद गर्मी का जोर जो है पड़ना शुरू हो जाता है, आप अगर हेलमेट कैरी करते हैं तो एक ठंडा कपड़ा गीला करके जरूर अपने सर पे रखें, उसके बाद हेलमेट पहने ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें, आपका सफर सही गुजर सके। तो सफर मेरा ख्याल है कि अगर सफर पे आपने जाना है ना तो अपनी जिंदगी में आप थोड़ा सा पहले निकलिए, जैसे अगर आपको 9 बजे कहीं पहुंचना है और आप बहुत ही लेट आज बिल्कुल 15-20 मिनट पहले घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसा ना करें, थोड़ी देर पहले उठ जाइए, उठना अगर आपने है ही है अलार्म लगाया हुआ है तो 10 से 15 मिनट पहले उठिए, ताकि अगर आपको ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो आप थोड़ा रुक रुक के सफ़र कर लें, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए किसी सायेदार जगह पर चले जाएं, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका दिल घबरा रहा है तो आप पानी का पानी पिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए बिल्कुल। और पानी से मुझे याद आया दारा, मैं ऐड करता चलूँ एक बात कि जब आप घर से निकलें सफर के लिए तो पानी जरूर पी के साथ रखें, अपने साथ भी अपने साथ भी रखें, और अगर जस्ट सपोज आप पानी कैरी नहीं कर सकते, कुछ लोग होते हैं जो कि लापरवाह होते हैं, मैं मेरी तरह के इंसान भी होते हैं दुनिया में, ठीक है, मेरी तरह के इंसान होते हैं, ठीक है, तो वो पानी जरूर पी के निकलें, और अगर जो भूल जाए तो घर में उनकी अगर वाइफ्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, तो ज़रूर अपने घर के मर्दों को पानी पिला के घर से निकालें, डिहाइड्रेशन से आप लोग बच जाएंगे। और इसके साथ साथ तायरा मैं बताता चलूं कि हमारा जो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 122 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब क्यों होता है, हम सही क्यों नहीं, वैसे देखा जाए तो ऐसे आपको फील नहीं हो रहा कि टेम्परेचर या मौसम देखें गर्मी आ गई है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमारा बना हुआ है कि धूप जब जिन दिनों में सर्दी होती है फोग ज़्यादा होती है तभी स्मोग होती है तभी AQI की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर में या हमारे पाकिस्तान में आजकल के दिनों में भी AQI की वैल्यू कितनी है, जो है बताएं जरा, AQI की वैल्यू 122 रिकॉर्ड की गई है आज के दिन, तो हमने क्या करना है इससे बचने के लिए, हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी गैर ज़रूरी जिससे धुआं प्रोड्यूस हो, फसलों की बाकियात को आग नहीं लगानी हमने, कूड़े को आग नहीं लगानी हमने जिससे धुआं आपका प्रोड्यूस हो, क्योंकि हमारा माहौल साफ रहेगा तो हम लोग हेल्दी रहेंगे, हम खुशगवार रहेंगे, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, माहौल जितना आलूदा होगा उतनी ज़्यादा बीमारियाँ आएंगी, और आपको पता है कि सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह की तरफ से हमारे पास दी गई क्या है, वो है सेहत, सेहत है तो इंसान सब कुछ कर लेता है ज़िंदगी में, सब कुछ, पैसा भी कमा लेगा, अल्लाह की दी हुई नेमतों को भी इंजॉय कर लेगा, घूम फिर भी लेगा, सब कुछ कर लेगा, और अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो सेहत का बहुत ख्याल रखें। तो हमारी अगली खबर क्या है तारा, प्लीज आप बताएं। अगली खबर है जी, हम पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी के हवाले से आपसे शेयर करेंगे कि इसकी जो कारकर्दगी होती है, अक्सर हम आपसे जिक्र करते हैं सक्सेस स्टोरीज का, जो कि रोजाना के बुनियाद पर बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि हम शेयर नहीं भी कर पाते आपसे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है आपसे शेयर करते चलें कि जी पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी ने चोरी शुदा जो कार है उसको ढूंढ निकाला, हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई, कॉलर ने बताया कि उसकी गाड़ी जहाँ पे उसने पार्क की थी वहाँ मौजूद नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मतलब चोरी हो गई या खो गई, जाहिर है उसको कॉलर तो ये नहीं पता था कि वो बाइक उसकी गाड़ी सॉरी कहाँ गई, सो शहरी की जानिब से 15 पर जब चोरी की कॉल मौसूल हुई और फिर यहाँ पे हमारे पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी के कैमरा जांच से उसको ट्रेस किया गया, देखा गया कि जब शहरी ने कहाँ पे गाड़ी पार्क की और उसके बाद कौन उसको लेके गया, किस जगह पे लेके गया, पूरा उसको ट्रेस किया गया, और यही खूबसूरती है हमारे कैमरा की, देखें कि कैमराज के थ्रू 24/7 यहाँ पर जो पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी में वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं वो पेट्रोलिंग किस तरह से करते हैं वर्चुअली, देखते हैं आपकी सारी जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सो कॉल करना कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कॉल की अहमियत को भी आप जानें, और कैमराज के थ्रू देखते हुए पता चला कहाँ पे गाड़ी मौजूद है, और जब गाड़ी की तरफ पहुंचा गया तो पता चला कि वो गलती से ले गया था, अच्छा बाय मिस्टेक ले गया था क्योंकि जो बंदा लेके गया था उसने पे हमसाए से गाड़ी ली थी, सो इतना उसको आइडिया नहीं हो सका, सेम गाड़ी थी, उसकी चाबी भी लग गई, वैसे ये भी बड़ी हैरत की बात है कि चाबी भी लग गई, खैर लेकिन ये हुआ कि कॉल के थ्रू और सेफ्टी अथॉरिटी के कैमरा जात के थ्रू हमारे वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर जो इतने एफिशिएंट हैं उनकी कारकर्दगी की वजह से शहरी को उसकी गाड़ी को वापस लौटा दिया गया, और शहरी मतलब इतना खुश था जब उसकी कॉल सुनी, मैंने फीडबैक कॉल जब की गई वो सुनाई गई तो वो बहुत ही ज्यादा उसको ज़ाहिर खुशी होती है आपको कि विद इन नो टाइम बहुत थोड़े से टाइम, और दायरा यही चीज हमारी अचीवमेंट है, यही चीज पंजाब सेफ सीरीज अथॉरिटी की अचीवमेंट है कि जब वो खुशी के लम्हात कोई महसूस करता है, जब उसकी कीमती चीज जो उसने खून पसीना अपना एक करके कमाई होती है उसके पास आती है,
तो चोरी हो जाए, फिर उसके बाद वो चीज़ उसको दोबारा मिल जाए, तो उसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना है हमारी, यही अचीवमेंट है पंजाब पुलिस की, यही अचीवमेंट है। और अदारे, आप किस सब अदारे कर और ये सब अदारे कर रहे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है, आप ही के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, आप ही को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, आप ही के मसलों को, मसाइल को हल करने के लिए। मैं मानता हूँ कि बहुत सारी खामियाँ कोताहियाँ भी होती हैं, लेकिन अच्छे काम भी उसके साथ साथ होते हैं। हमारा जो मेन मोटिव और मेन गोल है वो यही है कि आप लोगों को हर तरह से तहफ्फुज़ और सहूलत दी जाए। बस तो आपको करना क्या है, आपको अपने इदारों पर ट्रस्ट करना है, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना है। जो अक्सर औकात आप थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे काम भी हो रहे हैं सो अप्रिशिएट भी किया करें। जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं उनको, गलती का तो हमेशा हम कह देते हैं ना ये गलत क्यों हुआ, तो जब अच्छा होता है तो उसको अप्रिशिएट किया करें, कोऑपरेट किया करें अपने इदारों के साथ, और 15 की अहमियत को जाने, एमरजेंसी को, एमरजेंसी लाइन जो हमारी हेल्पलाइन है उसको एमरजेंसी पर्पस के लिए ही इस्तेमाल। और अप्रिशिएटेबल कमेंट्स हमें नजर आते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के, जब हम देखते हैं। तो इसके साथ साथ अपनी अगली खबर देते चलें, ये भी खबर हम आपको सेफ सिटी रास्ता FM की देने जा रहे हैं। रास्ता हमारा FM है एक 88.6, जो कि 24/7 शहरियों की रहनुमाई के लिए कोशां रहता है, शहरियों को गाइड करता रहता है वक्तन फवक्तन कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर नहीं है, किस जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है, किस जगह पे स्ट्राइक हो रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर से निकलें तो एक दफा ट्रैफिक की मालूमात हासिल करके निकलें कि जिस रूट पे आप जा रहे हैं कि वहां कोई हालात वाकयात खराब तो नहीं है, कि ट्रैफिक जाम तो नहीं है। 88.6 को ट्यून करें, चेक करते रहें, क्योंकि 24/7 किसी भी नागहानी सूरत हाल या हमवार रास्ते के लिए या कोई मुश्किल रास्ता, कोई भी मामला खराब हो रहे हैं तो 88.6 पे आप सुन सकते हैं, आपको वो बताते रहेंगे। लेकिन 88.6 सुनने के लिए उनको गाड़ी पे बैठना पड़ेगा ना, वो डेफिनेटली। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि घर से निकलते वक्त, जब आप घर से निकलेंगे तो आपने ट्रैफिक की मालूमात लेके निकलना है कि जिस रास्ते पे आप लोग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो क्लियर है या नहीं है। तो धारा हमारी अगली खबर क्या है, आप 15 पे कॉल भी कर सकते हैं। आगे हम बात करें जी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की 24 घंटे की कारकर्दगी रिपोर्ट के हवाले से, कि हम बात करें कि सेफ सिटीज अथॉरिटी आपके लिए क्या कर रहा है, तो आपको बताएं कल 24 घंटे की कारकर्दगी क्या रही। सो इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पे पंजाब भर से लाहौर समेत जो हमें कॉल मौसूल हुई हैं उनकी तादाद रही कल 78,848, और इन कॉल्स में से जी जो जिन जितनी कॉल्स हैं जहां पे पुलिस की मदद मांगी गई वो थी जी 5,348। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन लोगों ने मांगी और एक बड़ी तादाद गैर ज़रूरी गैर मुतलका कॉल्स की। सो आपसे वही रिक्वेस्ट जो हम हमेशा करते हैं कि 15 की जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है उसकी अहमियत को जानिए, कि आपके फेक कॉल, हॉक्स कॉल जो अक्सर बच्चे हमें करते हैं, उनकी वजह से किसी ज़रूरतमंद को मदद हमारी तरफ से जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको उसमें ताखीर आ सकती है। सो इस चीज़ का सबब आप बन रहे हैं हमारे लिए, सो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, इसकी अहमियत को जानें, बच्चों के सवाले से ज़रूर गाइड करें। मैं स्कूल की टीचर्स को भी बोलूँगी, क्योंकि अक्सर बच्चा आइडलाइज करता है अपने टीचर को, सो आप अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को इसकी अहमियत के हवाले से ज़रूर बताएं। आगे आपको बताएंगे जी सेफ सिटीज अथॉरिटी में जो 8,000 के करीब कैमरा जात हैं जो कि शहर लाहौर पर नज़र रखे हुए हैं, उन्होंने कल उन कैमरा जात के थ्रू हमारे जो वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं उन्होंने 1,378 मशकूक सरगर्मियों की निशानदेही की कैमराज को देखते हुए। सो आपने घबराना नहीं है, सेफ सिटी के कैमराज मौजूद हैं, आप पे नज़र रखे हुए हैं, बस कोई भी इमरजेंसी हो आपने 15 पर कॉल करनी है। इसके बाद जी पंजाब पुलिस की विमेन सेफ्टी ऐप, सुबैर ये बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन, जरूर डाउनलोड करें, जरूर डाउनलोड करें, और इस पे कल 24 घंटे में 16 खवातीन ने हमसे मदद मांगी और उनको मदद फराहम की गई। और इसके बाद जी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा एनालिसिस सेंटर जो हमारा ईडेक्सेल है, जहाँ पे आपसे कोई भी हादसा हो जाता है, जैसे शहरी ने बताया कि उसकी गाड़ी खो गई तो उसको ट्रेस किया गया, इसी की तरह आपके साथ कोई भी ऐसा खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे आपसे कोई वकूआ हो जाता है, तो आप ईडेक सेंटर आ सकते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हमरा। कल 5 केसेस में एविडेंस को प्रोवाइड किया गया उन आईओस को जो भी केसेस थे उस हवाले से। इसके बाद हमारी जो क्राइम स्टॉपर सर्विस हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस, इस हवाले से भी बताएं हमारे नाज़रीन को। हमारी क्राइम स्टॉपर सर्विस सेफ सिटी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का इनिशिएटिव है, ये पंजाब पुलिस के तआवुन से और CM साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर इस सर्विस का आगाज़
किया गया है। क्राइम स्टॉपर सर्विस के अंदर आप इमरजेंसी कॉल नहीं, इमरजेंसी के लिए आपने 15 ही डायल करना है। आपकी आइडेंटिटी खासियत यह है, क्वालिटी यह है सर्विस की कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। आप बिजली चोरी, पानी चोरी, गैस चोरी, पतंगबाजी, उसके साथ साथ मंशियात के हवाले से, उसके साथ साथ जुआ अगर हो रहा है कहीं पे, कोई सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं कहीं पे, तो आप इसकी इत्तलात इस क्राइम स्टॉपर सर्विस पे दे सकते हैं, ठीक है। और आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। मैं आपको इसका नंबर बताता चलूँ जहाँ पे आपने इसकी इत्तला देने के लिए जो आपने नंबर डायल करना है वो है 0337233489। आई रिपीट, 0337233489 इसका नंबर है। मैं फिर से बताता चलूँ तीसरी दफ़ा, 0337233489। और इसके साथ साथ आप हमारी पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की वेबसाइट जो है www.psca.gop.pk पर क्राइम स्टॉपर्स के पोर्टल पर जाकर शवाहिद यानी कि वीडियो एविडेंस और पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर बताता चलूँ आपको कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपने 15 पर ही कॉल करनी है। इसके साथ साथ हम अपनी अगली खबर पर चलते हैं। ये अफसोसनाक खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि मरूफ सीनियर अदाकार तलत हुसैन साहब, बहुत ही नामवर शख्सियत, इंतकाल कर गए हैं। शोबिज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है तलत हुसैन साहब, और इन्होंने ड्रामों में, फिल्मों में, रेडियो में और थिएटर के मरूफ अवार्ड याफ्ता इन्होंने सीनियर अदाकार थे तलत हुसैन साहब, जिन्होंने अपनी इन्होंने इन तमाम शोबाजात में, चाहे वो रेडियो है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो थिएटर है, इन्होंने अपने जो है फुल अपनी एक्टिंग के, अदाकारी के, अपने स्किल्स के जौहर दिखाए। ये कराची तारीखी ड्रामा में बहुत बहुत ज्यादा काम किया है, और इतना पीटीवी के टाइम से लेकर अब तक जितना भी इनका काम रहा, बहुत ही यूनिक काम रहा और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स थे जो इन्होंने किए, और उनसे यंग जो टैलेंट है, नए आने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा सीखा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये कराची में फौत हुए हैं, इंतकाल कर गए हैं, और एक किसी निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे, पता लगा बीमार थे, पता लगा कि अदाकार फिफड़ों के आर्जे में मुबतला थे। और तलत हुसैन के सोगवार में दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं, और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदाकार जो तलत हुसैन साहब की वफात पर गहरी अफसोस और गहरे अफसोस का इजहार किया है, और रंज का इजहार करते हुए मरहूम अदाकार तलत हुसैन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की है। तो अब हम अपने प्लेटफॉर्म से तलत हुसैन साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, और उसके साथ साथ अगली खबर पे जाने से पहले हम 5 सेकंड की खामोशी इख्तियार करेंगे। जी तारा, हमारी अगली खबर क्या है? आगे जी हम अपने आखिर में पे इस सेगमेंट के इख्तिताम पे बात करते हैं इसराइल के हवाले से। इसराइली तैयारों की जो रिफा पे बमबारी का सिलसिला जारी है, एक ऐसा सिलसिला जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 7 माह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 35,000 से ज़्यादा जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की और बच्चों की शामिल है। कल 24 घंटे में 75 यानी कि 75 फ़लस्तीनी मजीद शहीद हो चुके हैं, और ये बमबारी कर रहे हैं इनके ऊपर। मतलब ऐसे लोगों के ऊपर आप बमबारी कर रहे हैं जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, रिहाइश के लिए कुछ नहीं है, इवन पानी पीने के लिए उनके पास मौजूद नहीं है। सो जुल्म की एक इंतहा है, एक ऐसा सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। सो तमाम कानून नाफिज़ करने वाले अदारे, इंसाफ के अदारे, उनसे रिक्वेस्ट, उनसे दरख्वास्त के खुदारा इस मसले का हल निकालिए। अल्लाह ताला ने आपको ये अथॉरिटी दी है, तो रब्बे ताला जब किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। सो अपनी अपनी अथॉरिटीज़ का सही इस्तेमाल करें, इस मसले का हल निकालिए। जंगबंदी होनी चाहिए, उन लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जो कि बिला वजह, बगैर किसी वजह के मासूम जाने। बच्चों का क्या कसूर है? इंसानियत का तकाजा ये है कि किसी भी मज़हब और इन सारी फ़िरके वारियत, इन सबसे हट के इंसानियत ये दर्ज देता है कि हर किसी को अपने मुल्क में, अपनी एक जगह पे, धरती पे सुकून से। और इसके साथ इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि अब तक 35,000 से ज़्यादा जाने जा चुकी हैं हम फ़लस्तीन के अंदर, इसमें ज़्यादातर मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। और इस हवाले से जुबैर, नॉर्वे ने बड़ा एक अच्छा एक उनकी तरफ से पॉजिटिव स्टेप लिया गया है कि इतवार के रोज़ नॉर्वे ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के सिलसिले में एक बड़ा संग मील अबूर करते हुए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा को दस्तावेज़ात पेश किए, और ये गैर मामूली तकरीब जो है वो इतवार के रोज़
बर्सेज में हुई, सो एक अच्छा स्टेप है. और ये जो भी इसराइल कर रहा है इससे देखें कि उसका आलमी सतह पे भी उसका कितना मतलब रिकॉर्ड खराब हो रहा है, उसका जो एक वैल्यू थी वो खराब हो रही है. और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब फलस्तीन को बहुत सारे ममालिक एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं, और ये एक बड़ी ही पॉजिटिव इनिशिएटिव है, ये बड़ी ही अच्छी खुशाइन बात है कि ये सारी दुनिया में अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ जा रही है कि फलस्तीन के साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए. ये था हमारा अब तक का सेगमेंट. अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं. आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सेफ सिटी, और अब वक्त हुआ जाता है हमारे आखिरी सेगमेंट का जिसका नाम है दिलचस्प अजीब. सो पहली खबर जो दिलचस्प भी है और अजीब भी है वो आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ, बाद में ज़ुबैर से भी पूछेंगे, पहले मैं अपनी खबर शेयर करूँ आपके साथ. तो जी आपको पता है कि शादी कैसा बंधन है एक लड़का लड़की के लिए, जिसके लिए मेरा ख्याल है सारे लड़का लड़की बहुत एक्साइटेड होते हैं शादी के वक्त. ना सारे नहीं होते, मेरा ख्याल के एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिससे पता चल रहा है कि शायद सारे लोग एक्साइटेड नहीं होते. नो कमेंट, सारे की अपनी फीलिंग्स होती हैं. मतलब हर किसी का कोई ना कोई ख्यालात होते हैं, कोई ना कोई फैंटेसी, यानी मैं अपनी शादी को इस तरह से करूंगा, मैं अपनी शादी इस तरह से डिफरेंट करूंगा. सो मेमोरीज हैं. कहा जाता है कि खुशी का दिन है, ऐसे ऐसे समझ लें. कहा जाता है, तो हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग कि खुशी का दिन है. सो होता होगा खुशी का दिन, होता होगा खुशी के लिए, लोग कहते हैं तो होता होगा. खैर अपनी मेमोरीज बनाते हैं लोग, डिफरेंट तरह से सेट करते हैं कि मतलब ऐसी शादी हमारी हो कि उसको दुनिया भी याद रखे ना. सो ये होता है हर किसी के जहन में. सो इसी तरह स्विट्जरलैंड में एक शादी हुई जिसमें दुल्हा दुल्हन ने बर्फ के सिल में बंद हो के शादी का जो उनका स्टेज था, जो जहाँ पे उन्होंने आके बैठना था वहां पे आके एंट्री की, बर्फ के सिल में बंद होके. लोग घोड़े पे एंट्री लेते हैं, exactly, लोग मोटरसाइकिल पे एंट्री लेते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, ये बर्फ की सिल में आए हैं अपनी शादी को यादगार. और दोनों आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बर्फ की सिल में बंद होके आए. बर्फ की सिल बंद थी बिल्कुल. और इससे मुझे क्या बात है, मीडिया पे बहुत इसने ट्रेंड किया, और ये वाकई जो उनका एक मेरा ख्याल है पब्लिसिटी स्टंट था, वो वाकई साबित ये हो गया कि वाकई वो काफ़ी ज़्यादा उनको फेम मिला इस चीज़ से, और उन्होंने अपनी मेमोरी को वाकई ऐसा बना दिया कि दुनिया ने भी उसको याद रखा. सो ये जी एक बहुत ही खूबसूरत एंट्री थी उनकी, और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी. इस हवाले से उन्होंने बहुत ही हाइट पर जाके जाहिर है जहाँ पे आस पास भी सारा थीम ही बर्फ़ का था, मतलब ना सिर्फ खुद बर्फ़ के सिर में बंद थे बल्कि जो उनका थीम था और जहाँ जहाँ उनके मेहमान थे, ओवरऑल सारा सेट ही उनका हर चीज़ बर्फ़ से ही बनी हुई थी. सो 2,222 मीटर की बुलंदी पे ये तकरीब का इनाकाद किया गया, और उन्होंने जी तस्वीर जो बनाई वो भी उनके जो पोज थे वो भी उस सिल के अंदर थे. पोज भी सिल के अंदर थे, सिल के अंदर पोज बना के, मतलब फोटोग्राफी भी सिल के अंदर ही हुई. हाँ, और जो गाने बजाने का एहतमाम किया गया पूरा का पूरा थीम ही बर्फ का था. सो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये, आइस थीम था, आइस थीम था. सो आप इस जाके सर्च भी कीजिएगा, और अगर आपकी शादी में होने वाली और आप ऐसा कोई यूनिक आइडिया सोच रहे हैं तो हो सकता है कोई ना कोई आपको भी टिप मिल जाए. तो जुबैर से पूछते हैं क्या खबर ढूंढ के लाए आप. मैं वैसे जो खबर ढूंढ के लाया हूँ वो खबर दिलचस्प अजीब तो है, बल्कि दिलचस्प से ज्यादा मैं अजीब कहूंगा, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है और इतनी कोई कि मार्के वाली खबर नहीं है जो अच्छा। मैं शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन ये खबर ट्रेंड कर रही थी सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा इसलिए मैं ढूंढ के ले आया अपने नाज़रीन को बताने के लिए. और इस खबर को सुनाने के बाद मैं थोड़ा सा आपको हमें इससे लेसन भी मिलेगा. तो खबर पहले सुन लें ताहिरा, और इसमें मैं आपको शामिल ही करूँगा क्योंकि मैं इसको कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा. मेरे मुताबिक ये कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है जो इस खबर के अंदर है कि मिस्र में शौहर ने शादी के अगली सुबह ही अजीबो गरीब वजह की बुनियाद पर नई नवेली दुल्हन को तलाक दे दी. So, अगर मैं मेरा दुल्हा दुल्हन की खबर ढूंढ कर आएंगे तो आपने भी आज वही खबर देनी थी, लेकिन आपने थोड़ी खुशी वाली खबर दी. हाँ, एक यूनिक आइडिया वाली खबर दी. हाँ, मेरे पास जो खास खुशी वाली खबर नहीं है, और मैं इस चीज से अग्री शादी के बाद अगली सुबह ही मतलब कि रात गुजारने के बाद जैसे सुबह हुई तो उसको तलाक दे दी. और तलाक की जो वजह सुनके इतनी आप हैरान परेशान हो जाएंगी कि मैं भी हैरान रह गया, मैं भी परेशान हो गया कि यार ये भी वजह हो सकती है तलाक देने की. तो वजह ये थी कि जो हमारी मुतासरा खातून थी जिनको तलाक हुई, उन्होंने अपनी शादी वाले दिन कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल किया हुआ था आंखों के अंदर. देखिए हम मोस्टली ब्राइट करती हैं, खूबसूरत लगने के लिए, सजने सवरने के लिए. तो उसके जो मर्द था जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी उसको नहीं पता था इस चीज़ का कि उसने कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल किया हुआ है. तो जैसे ही उसने अपने वो लेंस उतारे तो उसने देखा तो उसकी आंखों की जो रंगत थी, यानी उसके आई बॉल्स थे, वो हरे रंग के थे.
यानी कि उसको लेंस में वो हरे नहीं लगे, नहीं लगे जब उसने लेंस उतारे, ओरिजिनल ग्रीन था वो, हरे रंग के थे, ग्रीन रंग के थे, सब्ज रंग के थे, तो ये बात उसको गवारा नहीं हुई। अच्छा। वो ये बार उसको गवारा नहीं हुई, और जब उसने वजह जानने की कोशिश की तो उस खातून ने उसको बताया कि मेरी नज़र कमज़ोर है। अच्छा, अच्छा। इसकी वजह से मैं कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करती आ रही हूँ, और ये मैंने आज से नहीं, बहुत पहले से कॉन्टैक्ट लेंस का मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ। तो उस शख्स ने उसकी बात नहीं सुनी, और उस शख्स ने इस वजह को बेस बनाकर, बुनियाद बनाकर उसको तलाक दे दी कि अब जो हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। अच्छा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, उसका स्टेट ऑफ माइंड ये था कि उस हमारी जो नस्ल आगे बढ़ेगी तो मेरे बच्चों के भी जो आंखें होंगी वो हरी होंगी, ग्रीन होंगी, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की जो आंखें हैं वो सब्ज हों। तो इस बुनियाद पर उसने उसको तलाक दे दी। वैसे वैसे ये बहुत अफसोसनाक खबर है, और मैं उस जनाब को क्या कहूँ, मैं ऑन एयर बैठा हूँ इस वक्त, मैं कुछ अपने मुंह से कुछ ऐसा भी निकालना नहीं चाह रहा जो कि मायूब हो जाए, लेकिन ये बड़ी ही, मैं इसे कंडेम करता हूँ इस खबर को, लेकिन ये खबर ट्रेंडिंग में थी, और उस खातून ने बड़ा समझाया उसको, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी, तो और तलाक बिल्कुल हो गई, तलाक बिल्कुल हो गई। तो ये मियां बीवी का जो ताल्लुक बन जाता है, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है और अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है, और इसमें चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ दो लड़का लड़की, दो फैमिलीज इन्वॉल्व, दो फैमिलीज के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप अपने जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उसको अंडरस्टैंड करें उसकी चीजों को, और फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर की चीजों को अंडरस्टैंड करें, तभी ये जैसे कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, एक में भी हवा कम हो गई या वो पंचर हो गया तो दूसरा पहिया चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो कोशिश करें कि रिश्तों को मजबूत बनाएं, अगर किसी रिश्ते में आप बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसको निभाने की कोशिश करें और पॉजिटिव रहें। जस्ट सपोज कि कोई शादी के ख्वाहिशमंद भी हैं मुस्तकबिल में, कोई शादी आपस में करना चाहते भी हैं, और उनके बीच में भी कोई गलतफहमी आ गई है, तो डेफिनेटली आप बैठें, कम्युनिकेशन करें, कम्युनिकेशन करना मत छोड़ें। कम्युनिकेशन जहां टूट जाती है वहां गलतफहमियां मजीद और जन्म ले लेती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो कम्युनिकेशन बरकरार रखें। गुस्से में भी हैं तो आप कम्युनिकेशन खत्म ना करें, गुस्सा क्योंकि आरजी होता है, वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद तसल्ली से बैठ के आप कम्युनिकेट करें और अपने मसलों को सुलझा लें। बिल्कुल जी, थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। लेकिन हमने कमेंट तो बताए ना हमारे सोशल मीडिया में, आप मुझे मौका जी जी प्लीज मुझे मौका दें, आपकी इजाजत है कि मैं जी जी प्लीज आप बताएं, आप बताएं हमें, ये तो मैं जाने दे नहीं सकता जब तक पता ही नहीं लगेगा हमारे नाज को के कमेंट का करना है। वहीं पे आ रही थी कि हम आप उम्मीद करते हैं कि आपने एंजॉय किया होगा, सो आपने कमेंट करना हमें नहीं भूलना। हमारा ट्विटर का अकाउंट है PSAS Safe Cities, और हमारा फेसबुक का अकाउंट है पंजाब Safe Cities। सो मुझे और जुबैर को इजाजत दीजिए, कल किसी नए प्रोग्राम के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ, कुछ दिलचस्प और चटपटी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।